चल रही है ना? ठीक ठाक। भाव बात कहा, भाव भी नहीं। जब भाव नहीं तो आस्था कहां, और आस्था नहीं तो भक्ति कहां। भक्ति रहेगी जिसके पास, वही ना समझेगा रथ का महत्व। अब भगत तो दिन ब दिन कम होते जा रहे। पहले लगन में जितने मौर दिखते थे, अब साल भर में भी उतने नहीं दिखते होंगे, है ना बाबू? हाँ पुजारी भाई, सो तो है। अरे ये बल्ला भैया की इच्छा है। ओ लो, बातों बातों में इनसे परिचय कराना नहीं मैं भूल गया। ये है ईश्वर भाई। जय जगत, जय जगत। कैसे आप? ठीक है जी। दिल्ली से अपना इंजीनियर, बड़े साबिका वाले रूप में है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अपना काम है। भाई इंपोर्ट इंपोर्ट का होता है? नो नो, इंपोर्ट इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। वाह वाह, ईश्वर भाई अभी इनके बीच जन जागृति का हमें बहुत काम करना है। उस दिनों पूर्व आयरलैंड के पैटर्न बोले थे आई, दक्षिण भारत के किसी एनजीओ ने मुझे यहाँ बुलाया था, सहनी जी ने मिलवाया हमें। ग्राम भ्रमण के दरमियान जब मैंने उन्हें रथ और मौर की उपयोगिता बताई, उन्होंने कहा कि भारत की लोक संस्कृति पूरे विश्व में अतुलनीय है। अल्लाह और भारती का उन्होंने जब भी मुस्कुरा दी, क्यों याद है? हाँ पुजारी भाई, और जाना है भैया, फोटो भरवा कर घर में लटकाया भी है। अच्छा बात देख, हाँ। एक बात बता, महीने में कितना रथ और मोर बना लेती है? यूं तो थोड़ा ठीक नहीं, यूं समझ लीजिए ईश्वर भाई की यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाते। वेरी गुड, वेरी गुड। लोक संस्कृति, लोक गाथा में रथ और मोर की बड़ी महिमा। इस धरोहर को अक्षुण रखने की आवश्यकता है। इसी से जन्मी है लोक गाथाएं और जन्मे हैं सारों लोग भी। जाने की बड़े ही काम की चीज है ये तो समझने का है, और दोनों ही कुछ दिए है, रथ भी और मौल भी। क्यों बहन? हाँ, भगवान रथ पर बैठकर भक्त जनों की विशेष रथ यानी छापी, छापी यानी रथ यानी छापी, छापी यानी कहकर। मौर है मुकुट, जन साधारण को इजाजत न थी टोपी पहनने तक, से टोपी उतरवा दी जाती। टोपी माने इज्जत। बड़ा क्रांतिकारी था वो व्यक्ति जिसने जन साधारण के माथे पर मौर रखने की परंपरा चलाई, इसे मैं धर्म क्रांति कहूंगा। गृहपति बनने का उनको ग्रस्त राजा हुए आपसे बिना मौर के भगवान का रथ इसी रथ पर आए थे। भगवान बैठे थे, भगवान को देखा है कभी मैंने? उन्हें देखने वाली आंखों में जोर जोर कम पावर वाली जोर की आती है हम सब, इसलिए हम इसका सही उत्तर नहीं दे सकते। अलग अलग में आए थे भगवान बैठे थे, दूसरे की काया में समाये जाते हैं। तितली की काया में तो गबू चीनी और उसकी काया हमसे कहा जाती है? आसमान में तारों के बीच, तारे ही करते हैं भगवान के काया की रक्षा। बहुत खूब पुजारी भाई, इसी तरह हम एक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे फॉरेन कंट्री में, ताकि वहाँ हम प्रमोशन ना कर पाए। लोग संस्कृति तो सरोवर गांधी का ही काम माना जाएगा पुजारी भाई। लोग संस्कृति को बढ़ावा देना ही लोक सेवा, और लोक सेवा तो गांधी का ही काम माना जाए। लोक सेवा रथ यानी विदेश कहते हैं, कैसा नाम है? हम तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या पुजारी भाई, ईश्वर के रथ को दिवाली का खिलौना बनाना ठीक नहीं है। खिलौना कहाँ बनाया पुजारी भाई,
हम तो भगवान के रथ को रोशन कर रहे हैं। लोग जब उसका दिया जलाकर अपने घर के कुंडे पर डालेंगे तो कितना सुंदर लगेगा घर, अंधेरा दूर होगा। ईश्वर दिया मत कर बांटेगा तुम्हें। भगवान दिया के रूप में आए हैं, वैसे भी रथ में दिया रखने की इजाजत लोग शास्त्र में नहीं देता। अरे क्या कर देखो ये पल्ला रह गया। अरे दरवाजे पर ईश्वर भाई आए Happy Ami.
भाई दिल्ली से आए थे, उन्हें बड़ा होटल छोड़ने गया, इसीलिए यहाँ पहुंचने में देर हो गई। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, क्षमा। आप लोगों का सूट कल देखो। जय जगत। अभी यहाँ गांधी पाठ होगा, उसके बाद सब लोग श्रमदान के लिए चलेंगे। याद रहे बांध वाला कार हमें आज ही संपन्न कर देना। आगे मुरारी भाई, ये कल जहां अर्जुन ने खत्म किया था उसके आगे का पाठ शुरू। बाकी लोग बैठ गया जी। हम ब्रिटेन से पहली ही भेंट गांधी ने अहिंसा पर चर्चा की। उन्होंने कहा अहिंसा को बहुत ही अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि हिंसा के विरुद्ध अहिंसक बने रहना एक कठिन साधना है। अगर आप सेना के लोगों को मारने की आज्ञा दें तो वह मार डालेगी, व्यवस्था शांति भी बनाए रखने की कोशिश करेगी। लोगों को मारने का फैसला आप नहीं वह सरकारें करती हैं जिनकी आप नौकरी करते हैं। मैं ऐसी नौकरी कभी नहीं कर सकता जिसमें मुझे एक आदमी को सिर्फ इसलिए मारना पड़े क्योंकि मुझे हुक्म दिया गया हो, मैं तो न करूं। वाह बहुत अच्छे था। अब आगे का पाठ तुम पर हो जाएगा। जब भारत आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने अपना पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाने का फैसला किया। गांधी जी ने बधाई देते हुए कहा मैं खुश हूँ कि आपके राज प्रमुख बनाया गया है, आपको सबके लिए मिसाल रखनी होगी। हमारा देश गरीब है, अंग्रेजों ने काफी शान शौकत से राज किया है, आपको सबके लिए मिसाल रखनी होगी, हमारी तरह छोटे घर में रहना होगा। माउंटबेटन ने कहा उस शानदार घर का क्या होगा जिसको बनाने में इतने रुपए खर्च हुए। ये उसी घर की बात हो रही है जो आज राष्ट्रपति भवन गांधी ने छूट के कहा था उसमें अस्पताल खोला जाएगा। अस्पताल का क्या वो भाई, शहद लगाकर चाट गए सब। गांधी भाई अब आप गांधी को शहद लगाकर चाटते रहिए, नहीं चाटिएगा तो चाटने को कहां से मिलेगा। पपीता शहद दूध सही अनुदान लेने के लिए ये प्रपंच जरूरी है। आओ ताना आओ। अरे इतना तामस आओ मुझे नहीं। अब आप लोग संविधान की जय 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 तुम कैसे उम्मीद करते हो कि हम हमेशा बंदूक की भाषा में ही बात करेंगे। हम आपने से बंगालीशों से क्यों ऐसी उम्मीद करने लगे, क्या अन्याय के खिलाफ में हथियार उठा लेंगे। हम क्या है ताना वो हमें मालूम है, कम से कम मुझे खुद को लेकर कोई निराशा नहीं है। आएगा भी कैसे, कुछ कचोटेगा तब तो। कुछ कचोटता नहीं तो यह अपना संपूर्ण जीवन उदान में दान कर देता। क्या फिर कोशिश करें। कैसी कोशिश? लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश, उनके भीतर के शब्द को जगाने की कोशिश। जो दूसरे के शब्द पर हुकूमत का दायरे को बेपर्दा करने की कोशिश नहीं, बल्कि उनके कर्म पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं आप। एक तरह से आप इस व्यवस्था के एजेंट हैं, ऐसा एजेंट जो जनता में व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश नहीं बनने देते। दादा तुम्हारी बात ये दलिया Thank you.
सर्ववीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मंत्र पढ़ने में मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं। जब आप मंत्र पढ़ रहे हैं, तो मैंने देखा कि आपकी कटोरी में चिंकियां लगी और आपने उससे देखा बस छटक गई। ऐसे क्या आप समय को छटक गए? उस समय को जिसमें लगी है चिंकियां। हमारे समय में चिंकियां लगी है ताना। और तुम्हारे समय में? इसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ? तुम क्यों नहीं कहते? नहीं जानता। या तुमने जानने की कोशिश नहीं की? क्या तुम कैसे? आप कैसे कह सकते? जैसे तुम कह सकते? नहीं, हमारे कहने में कोई काम नहीं। आपके कहने में है और सब पर चिट्ठियों को आटा गिराते और कबूतरों को दाना बिना नागा गाय के दूर पर दूर पक्ष रखकर अपने दोनों कान को छूते मुंह खुलता है तो वेद मंत्र और नाम भी वचन निकलता है लेकिन भीतर से आपसे नहीं कठोर जिद्दी और पढ़ने समझे के कंजूस आप किसी को प्रेम नहीं करते कर ही नहीं सकते। आप एक स्वार्थी और सर्वाधिक इंसान जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है कुछ भी जिसे आप लोग पहनकर गांधीवादी होने का अभिनय कर रहे हैं और तुम लोग खुद अपने गिरबान में छाप कर देखो अरे देखो तो सही अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से काम नहीं चलेगा ताना बचा वादियां क्यों उगाती हो तुम लोग बचा तारा की बात करते अगर बताना शुरू करूंगा तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी मजदूरों से लेवी वसूल करो संगठन का बिल्ला पांव पर लगाकर बाहुबलियों की फौज खड़ी करो और तो जहां तुम्हारा संगठन मजबूत है वहां मजाल है कोई पिट्टा भर जमीन ढेर है वो चला ले ध्यान बिना दुर्गा पूजा का चंदा दिए और वो चंदा 50-100 रुपए का नहीं होता था ना ये तुम ही जानो और नियुक्त नहीं हो तुम लोग सफेद रास्ते मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं मेरा इशारा तुम्हारे और साथियों की तरफ था वो भी सभी साथियों की तरफ नहीं कहते हैं ना एक समय मछली पूरे तालाब को कंधा कर दे साथियों का नाम बताइए जरा हम भी तो जा रहे हैं हम कहां हैं सोए हुए को जगाया जाता है ताना जगे हुए को नहीं व्यक्तिगत तौर पर तुम एक ईमानदार निष्ठावान और जनधर्ती इंसान पर तुम जिस काफिले के साथ हो वहां भी लोग विचारों का मुखौटा अपने नित्य नए नए खेलते रहे अब बेटू और बच्चा कोई लोग से हमारे साथियों का मैं मत कीजिए कोई काम नहीं इसके बाद 21 औरत के पेट में कितने महीने का बच्चा है और तुम कितनी बार टट्टी गए निरंतर बकवास करने वाले लोग Thank you.